तो ज़्यादातर मेरे पास समस्या आती है कलच की। कलच की किस भी टूट रहा, इधर वाला भी टूट रहा, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला ख़त्म। नई स्कूटी चला लेना और ये चला लेना, आपको जो है ना बिल्कुल भी माइनर का फर्क नहीं दिखेगा। और इसमें पता है क्या मेन पॉइंट क्या है, इसमें क्या ना ग्रीसिंग नहीं होती हमेशा क्या दे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बाइक लाइफ में। तो आज की वीडियो आने वाली है हमारी टीवीएस की जुपिटर के ऊपर, और हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कलच के ऊपर। तो ज़्यादातर मेरे पास समस्या आती है कलच की। कलच की किस वजह से आती है, मान के चलो कोई सी भी स्कूटी ले लो, एक्टिवा ले लो, जुपिटर ले लो, एंटोर्क ले लो, फसिनो ले लो, एवेटर ले लो, यानी कि कोई सी भी स्कूटी ले लो, ज़्यादातर जो कलच में प्रॉब्लम आती है वो आती है पिकअप की। तो वो क्यों प्रॉब्लम आती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कलच में जो है ज़्यादातर क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है ये आती है, यह मान के चलो हमारी नई स्कूटी है, हमारी नई स्कूटी 6000 किलोमीटर चल गई, तो हमने क्या है इसकी कलच की सर्विस करानी है। तो हमने क्या है वो 6000 माइनस हो गए। अब इस 6000 किलोमीटर के बाद जो 6000 चलेगी यानी कि 12000 चलेगी, तो उस पर क्या है हमें सर्विस फिर से कलच की करानी है। यानी कि कहने का मकसद ये है मेरा, तीसरी सर्विस पे एक वर्ष की क्लच की सर्विस जरूरी करानी है। तो वो के हिसाब से क्या ना, हर सर्विस जो होती है 2000 किलोमीटर पे होती है, तो हम क्या करते हैं 2000 चल गई हमारी, फिर नेक्स्ट सर्विस आई 4000 चल गई, फिर नेक्स्ट सर्विस आई 6000 की, जो तीसरी सर्विस आई वो आई 6000 की। तो उस पर क्या है हमें क्लच की सर्विस करानी जरूरी है। तो कोई पार्ट एकदम खराब हो, ठीक है ना, उसके रोलर ख़राब हो, मान कर तो कुछ भी है क्लच में, तो वो ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या है ना ग्रीसिंग वगैरह हो जाएगी पुली में क्लच की, और क्लच सू चैक हो जाएंगे, उससे आगे जो है ना हमारे क्लच में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वाली जो स्कूटी में प्रॉब्लम आई है वो क्लच की और पिकअप। पिकअप जो है ऐसे मान लो हाई नहीं, अगर मान के चलो कोई ब्रेकर पर चढ़ा रहे हैं, ये जो रैंप है मान के चलो इतने उस पर चढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक तो वाइब्रेशन तो हद मान के चलो, वाइब्रेशन धड़धड़ाती बहुत है। तो इसी वजह से मैंने इसका क्लच खोला और इसकी रोलर देखते हैं। तो ये देखो रोलर जो हैं किस कितनी बुरी तरीके से कट रही है, एक बार यहाँ लिया ना पास में। और इसमें पता है क्या मेन पॉइंट क्या है, इसमें क्या ना ग्रीसिंग नहीं होती हमेशा, क्या देख ध्यान रखना इसमें, अगर तुम आप ग्रीसिंग भी करो मान के चलो बहुत माइनर के समझ लो बहुत ना के बराबर करने, या तो करनी नहीं है ग्रीसिंग, करनी है तो बिल्कुल ना के बराबर। अब इसमें क्या है ना ग्रीसिंग जो है ज़्यादा कर दी, अब ग्रीसिंग ज़्यादा करने के बाद में अब ये रोलर जो है ना पूरा नहीं कूद रहा, यानी कि ये जो है ना घूमता है, तो ये जो है ना बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। तो इसी की वजह से एक साइड से ये रोलर कट गए, ये देखो ये निशान दिख रहे हैं, इसी की वजह से जो है रोलर कटे हैं, क्योंकि ये जब पूरा घूमेगा तो ऑलरेडी जो है ना पिकअप अच्छा बनेगा, यानी कि पिकअप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सारे रोलर जो है ना जगह 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 रहे, तो ये यहाँ से ही घूम ही ना रहे, तो जब यहाँ पे यहाँ ही रुके पड़े, तो ये रोलर ख़राब है, ये हमको चेंज करने पड़ेंगे। और अब हम बात करते हैं इसकी पुली की, एक बार नीचे दिखाना। तो ये है इसकी पुली, इसका भी मैंने चकनट ढीला कर लिया, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसके कलच सुखी तो हालत बहुत ख़राब है, इसकी बाद में बात करेंगे। ये है पुली, अब पुली का ये काम इसमें क्या करनी पड़ती है हमें ग्रीस, जब हमारी स्कूटी 6000 किलोमीटर चल जाती है तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता है ग्रीस, क्योंकि ये अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे और इसमें हम करेंगे ग्रीस। और ये जो है हमने किस टाइप में घुमानी है, ये इधर को सीधे हाथ में पकड़ो और इस तरीके से ये देखो अब ये निकल गई अच्छे से, और इसमें ग्रीसिंग करेंगे पुली में, ठीक है। और हम अब बात करते हैं इसके कलच सू की, अब कलच सू की जो हालत है ये देख सकते हो, ये जो है कलच कभी साला खुला ही नहीं, अगर किसी ने खोला भी तो इतना गौर दिया ही नहीं, और दिया भी तो इतना साला ध्यान ही नहीं दिया। ये देख रहो ये कितनी गंदी तरीके से टूट रहा, ये चेक करो ये टूट रहा, इधर वाला भी टूट रहा, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला ख़त्म, और ख़त्म हो गया। इसमें जो है ना बिल्कुल ही पीखा भी नहीं है भाई साहब, और ये इतनी धड़धड़ा रही है ना। और अब हम इसको ना कलच सू डालेंगे, इसके पुली में ग्रीसिंग करेंगे,
और इसके जो रोलर है रोलर नहीं डालेंगे, वाइब्रेटर इसका ठीक होगा तो वो ही लगाएंगे। और इसमें जो पिकअप होने वाला है वो होने वाला है बिल्कुल खतरनाक। आप जो है इसको एक बार नई स्कूटी चला लेना और ये चला लेना, आपको जो है ना बिल्कुल भी माइनर का फर्क नहीं दिखेगा। और इतनी स्मूथ चलेगी ना, बेहिसाब स्मूथ चलेगी। तो चलो काम जो है हम इसमें स्टार्ट कर दें। तो अब क्या है ना, हम इसके कलच से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये निकालते हैं, ये यहाँ से ये होता है लॉक। तो इसको लॉक को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कलच। क्या करते हैं हम एक बार जो है ना इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं सारे सामान को, और फिर हम इसको फिट करेंगे। ये देख क्लच जो है हमने अच्छे से क्लीन कर लिया, ये देख सकते हो आप क्लच भी अच्छे से क्लीन हो गया। और यहाँ पे जो है मैंने सारा सामान भी लगा दिया है, ये पुली रही, ये इसमें क्लच से फिट होंगे, वो रहा है इसका वाइब्रेटर, ये तवा रहा है इसका जो सेल्फ को सेल्फ से स्टार्ट करता है इंजन को, ये रहे क्लच से, और ये नए वाले रोलर, नए वाले क्लच से, बेल्ट भी इसकी ओके है। और फ्रेंड सबसे पहले हमने क्या करना, पुली में ग्रीसिंग करनी है। यहाँ पे अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग करनी है हमें इस साइड से, यह मान लो इस साइड से भी कर लो। तो यहाँ पे ग्रीसिंग करते हैं, इसको ग्रीस को लगा लेते हैं अच्छे से पतला पतला। ये इसमें जो है ग्रीसिंग हो गई है अच्छे से, ये चेक करो बारी इसको इसमें फिट करने की। तो अब हम करते हैं इसमें फिट, ये ढमे डालनी है। और इस पे जो है ना तवे पे यहाँ पे ग्रीस जो है बिल्कुल भी नहीं लगे, ये हमको इस तरीके से डाल देंगे। ये डल गई जो है हमने, जो इसकी हम गोलियाँ लगाएंगे ये। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ग्रीस भर लेना बढ़िया तरीके से, ये बंद कर दो और ये ओरो पास ग्रीस हल्का हल्का रखते हैं हम एक बार साइड में। जो मेन पॉइंट है ये फ्रेंड्स, हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चेक करनी है इनकी गोलियों की, है ये जो है बिल्कुल भी कटी ना हो। अगर ये कटा हुई है तो इनको चेंज कर दो, ज़्यादा महंगी आती नहीं है, 80-90 रुपए की जेनुइन मिलती हैं। तो अब बारी इनको फिट करने की। ये फिट किस तरीके से करते हैं पुली में, ये हमने जो सुराग मिलाए थे वो यहाँ पे, ये यहाँ, ये गोली गई अंदर। अब ऐसे ही इधर तीसरी वाली भी ऐसे ही जाए। अभी हमारा हो गया ओके कंप्लीट, ये डन है। अब बारी है इसको लगाने की, ओरिंग का हमेशा ध्यान रखना है। ओरिंग हमारा ये जो है हमारा जो ग्रीस है बाहर ना ग्रीस निकलने देगा, और ना ये जो इसमें पानी जाएगा ना पुली के अंदर जाए पानी भर जा, ना ये ओरिंग अंदर पानी जाने देगा। ये होती है इसकी कैप को इसी तरीके से लगा देनी है। इसको क्या ना घुमा लो ऐसे, ये अपनी कैप बैठ चुकी है, चुकी है हमारी आधी कंप्लीट। अब क्या हमने करने कलच फिट, हमने क्या करना हल्का हल्का ग्रीस कर लगानी, बिल्कुल ना आगे बराबर, यानी ये चिकनर है। ये हो गया, तो हमने क्या ना ये जो हमारी रबड़ हैं इनका ध्यान रखना, इन पे जो है ना बिल्कुल भी ग्रीस नहीं लगानी। अगर ग्रीस लगाएंगे तो रेस देने पे जो है ना झटका मारेंगे जैसे हम कलच छोड़ लें, तो ये प्रॉब्लम करती है। तो इसका मेन ध्यान रखना, इस पे ग्रीस बिल्कुल नहीं लगानी। कई बार क्या ना ग्रीस लग जाती है तो ये क्या ना झटका मारने लगती है, तो फिर से हमें कलच खोलना पड़ता। तो अब करते हैं इसके कलच से फिट, ये हमें हमेशा स्मूथ रखना बिल्कुल पीले, ये इस तरीके से रहे, ये इसमें गोली घुमाओ और ये यहाँ सेट बैठ गया, ये फिट हो गया। एक इसी तरीके से ये तीनों लगाने हमारी है इसके लॉक लगाने। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके लॉक, और लॉक बहुत इजीली लग जाते हैं लॉक, कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक एक करके इसमें बार सेल लगा लेनी है इस तरीके से, बंद ना ये अब निकले। एक लॉक आ गया,
और अब बारी है इसके स्प्रिंग बिठाने की। ये वाले जो स्प्रिंग है इसके, ये बिठाने, ये भी इजीली इसी तरीके से बैठ जाएंगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ये ये बैठ गया। जो चीज़ रखनी है ये वाली, ये रखनी है ऊपर टॉप पे, और ये नीचे रखनी है। ये हमने पैर कैप पहले लगा दी, ये आ गई टॉप पे, और अब हम इसका चकनट लगाएंगे। ये मेन इम्पोर्टेंट, ये वाला जो नट है हमेशा इधर से नहीं लगाना, इस साइड से, ये हमेशा इस साइड से लगता है, इसका भी ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पुली जो है बिल्कुल डन हो चुकी है कंप्लीट अपनी, और अब बारी है इसको क्लच में फिट करने की। ये देखो चला कर दिखाऊं, ये चल रही है मस्त तरीके से, और अब करते हैं अंदर फिट। तो चलो आगे दिखाते हैं प्रोसेस। ये इसका वाइब्रेटर, वाइब्रेटर जो है ना बिल्कुल ओके है, वाइब्रेटर में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या आना, इसमें ग्रीसिंग मैंने बोला था, इसमें हमें ग्रीसिंग नहीं करनी, तो नहीं करनी है, तो हम इसमें ग्रीसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये पहला रोलर, फ्रेंड्स ये लग चुके हैं अपने रोलर, और अब इसके ऊपर जो है ना एक प्लेट आएगी, उससे पहले क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। ये हमने खाली ऐसे नहीं लगानी, साथ आते हैं, ये हमने इस तरीके से लगानी है पहला, ये लगी, ये इस तरीके से फिट हो गया। अब इसे पलट लो, क्योंकि आप इसके यहाँ ना रोलर नहीं गिरेंगे, इसमें हल्की हल्की ग्रीस कर लो बस, ये जो है किसी भी तरीके से डाल दो, ये चलनी चाहिए स्मूथ, बिल्कुल राप चीक जिसे बोलते हैं। तो हम फिट करते हैं नंबर वन, ये लगाओ इस तरह। अब आया ये तवा, ये तवा लगा क्या इस तरीके से। अब ये नट को ऐसे मार दो, इसकी चूड़ी हमेशा उल्टी होती है, यानी कि उल्टी तरफ को जो है ये टाइट होगा, और सीधी तरफ को क्या है ये खुलेगा। तो ये देखो रो, हम इधर को टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, अभी आ रहा उल्टी साइड। अब आ रही इसकी पुली की फिट करने की, तो बेल्ट लगाओ यहाँ, इसको हल्का सा प्रेस कर लो, ये बेल्ट अंदर पहुँचेगी जब ही लगेगी, ये दोनों हाथों से टाइट करके, ये आगे बेल्ट, ये देखो इतनी बेल्ट अंदर बतानी है, और ये फिर आसानी से अपना फिट हो गया। बेल्ट का ज़रूर ध्यान रखिए कि इस तरीके से, ये होता है फ्राई व्हील, ये बिल्कुल रापचिक जिसे बोलते हैं, ओके। तो ये भी इस तरीके से फिट कर दो, ये इसका 17 नंबर का बार छल, और यह है नट, इसकी सीधी चूड़ी होती है तो ये सीधी तरफ को ही टाइट होगा। अब ले लेते हैं गन, वो गन से ढुट कर देते हैं, ये इसमें लगाओ, 30 की गोटी लगती है इसमें, ये हो गया टैट, ये हो गया फुल टैट। अब दिखाते हैं हम तुम्हें स्टार्ट कर रहे तरीके से जो है ना इसका क्लच वर्क करता है, वो भी दिखाने वाले हैं। तो 1 2 3 एंड गो, ये चल रेस दे, तो आपने देखा किस तरीके से वर्क कर रहा। और हमेशा क्लच फिट करने के बाद ये ज़रूर चेक कर लेना, इसका जो ये व्हील है ये हमेशा फ्री रहेगा, बिल्कुल स्मूथ। एक बार और स्टार्ट कर भाई, क्या ये देखो स्टार्ट करेगा, हो गया रेस दो, ये पूरी एक्सीट रहे, बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हो चुका अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट, अब जो है इसका क्लच कवर लगा लेते हैं,
क्लच कवर भी इसका लग चुका है बिल्कुल, और ऑलमोस्ट जो है सब कुछ डन हो चुका है। क्लच कवर भी इसका लग चुका है और सारी जो है ना फिटिंग अच्छे से हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी मस्त वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।